We made 1 lakh rupees in just 20 days by selling नींबू पानी। तो हम आपको अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमने ये कैसे किया और क्यों किया। हमारे पास जॉब्स नहीं थी और सेविंग्स में हार्डली 18,500 रुपए बचे थे, इसीलिए हमने डेस्परेशन में नींबू पानी बेचना शुरू कर दिया। But the problem was that our house rent was due in just 10 days। 20,000 रुपए का हाउस रेंट था और सेविंग्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो रही थी, क्योंकि हमारे डेली एक्सपेंसेस सारी लग्जरीज को काटने के बाद भी 500 से 600 रुपए के बीच तो बनी रहे। बेसिकली वी वर डेज अवे फ्रॉम हैविंग नो सेविंग्स एंड नो होम। That's South Delhi for you। और इसी साउथ दिल्ली की जनता को हमें नींबू पानी बेच के किसी तरीके से विदिन 10 डेज अपना हाउस रेंट निकालना था। इस जर्नी का सबसे बड़ा इनिशियल रोड ब्लॉक मेरे co-founder एंड हस्बैंड मनी का एटीट्यूड था। यार आपी, मैंने तुझे आधा घंटा पहले ही बोला है कि हम शिकंजी नहीं बेचेंगे, ओके? मनी, शिकंजी नहीं, नींबू पानी इज बेटर। तू बस ये बता कि हमें एक ग्लास नींबू पानी बनाने का क्या कॉस्ट पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, शिकंजी हो या नींबू पानी, हम बंटे के बिजनेस में नहीं घुस रहे। मैंने इंजीनियरिंग के फुकरे काम करने के लिए नहीं की थी, वैसे भी यहाँ पे मेरी कॉम की इज्जत का सवाल है। कॉम? कौन से टीवी सीरियल देख रहा तू आजकल यार? 10 दिन में हम सड़क पे आ जाएंगे मनी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। और अब मैं वैसे भी पापा से मॉनेटरी असिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम आउट ऑफ दिस। बेगर्स आर नॉट चूजर्स एंड वी वर बेगर्स एट दैट टाइम, बट मनी को तो सिर्फ अपनी खानदानी चौड़ की पड़ी थी। बेगर्स, अगर आप भूल गए हो या आपने पिछला एपिसोड ना देखा हो तो मैं बताता हूँ कि हमारी नींबू पानी बेचने की नौबत क्यों आई थी। हम दोनों के पास सेविंग्स भले ही कुछ खास नहीं थी, पर जॉब जरूर थी, जो एक रात हमने दारू के नशे में छोड़ने का डिसीजन ले लिया। सर, 100 दिन के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकते क्या हम लोग? 30 साल के हो गए हम, अभी फन नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार? फिर करेंगे क्या जॉब छोड़ के? कुछ भी करेंगे, मजे करेंगे। डन, जॉब छोड़ेंगे। तो बस, वी चैलेंज्ड असेस टू सर्वाइव फॉर 100 डेज विदाउट जॉब्स, बट नाउ व्हेन आई हैड अ प्लान टू सर्वाइव, तो मनी बीच में भसूड़ी क्रिएट कर रहा था। बट सरप्राइजिंगली प्रॉब्लम उस रात खुद ही रिजॉल्व हो गई। मनी, हनी डस्ट ले लेना यार। यार एपी, वो पापा ने मना कर दिया ना? यार वो कह रहे हैं कि अगर खुद चैलेंज लिया तो उसे खुद कंप्लीट करो, नहीं तो अपनी नौकरी में जाओ। जॉब? नींबू पानी बेचने का आइडिया सही लग रहा होगा, या फिर जॉब लेनी है वापस? इतनी जल्दी तो मिलेगी भी नहीं, हाउस रेंट कैसे पे करेंगे? यार अभी तू चल यार, अंदर जाके ना हिसाब लगाते हैं कि एक ग्लास कितने का पड़ेगा। चल, तो नींबू हो गया, चीनी हो गई, पानी हो गया, और ये बॉटल। ओके, बॉटल बॉटल। यार अभी नींबू तो आजकल बहुत महंगा चल रहा है यार। अरे मनी, होलसेल में सस्ते में मिल जाता है। यार फिर भी यार, 6-7 रुपए का एक नींबू पड़ रहा है आजकल, कॉस्ट कितनी ज्यादा हो जाएगी यार हमारी। अरे मनी, पहले बेचना तो शुरू करते हैं ना, होलसेल में सब 50% पे मिलता है, तू 3 रुपए का ले नींबू। 3 रुपए का एक नींबू, 2 ग्लास में एक नींबू पड़ता है, तो यानी 1 ग्लास में पड़ेगा अपना 1.5 रुपए का नींबू। तो पानी और बॉटल का एक्सपेंस तो मैंने पहले से ही जोड़ रखा है, तू 5 रुपए की बॉटल लगा और 1 रुपए का पानी। ओके चल, तू ये भी ले, 5 रुपए ये और 1 रुपए का पानी, ठीक है। ओके, तो बची चीनी। चीनी तो सस्ती होती है। हाँ, चीनी तो बहुत सस्ती है, तू 50 पैसे की लगा चीनी, ठीक है। तो टोटल बन रहा है अपना 8 रुपए। रफली हमारा खर्चा 8 रुपए पर बॉटल बन रहा था, तो हमने सोचा कि हम तो साउथ दिल्ली में बेचने का सोच रहे हैं, तो 30 रुपए पर बॉटल इजंट दैट बैड। मतलब हर एक बॉटल पे 22 रुपए प्रॉफिट, पर हमारी अजम्पशंस कितनी फ्लॉड थी हमें ये अगले दिन पता चला। हम बिना किसी खास तैयारी के 2 से 3 बॉटल लेके मैदान में कूद गए। बट राइटफुली नोबडी वाज ट्रस्टिंग अस, इनफैक्ट लोग हमें सस्पिशियसली देख रहे थे। बट सडनली वी गॉट आवर फर्स्ट कस्टमर। रघु, टू मच ईगो गाइस, टू मच ईगो। ये है हमारा फ्रेंड रघु। अगर आप भूल गए हो या आपने पिछला एपिसोड ना देखा हो, उस दिन से लगभग 1 हफ्ता पहले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे सरवाइव करें, तो हमने रघु से एडवाइस ली, पर उसने हमारे सामने एक कंडीशन रखी थी। पाजी, बाबी जी, आई एम रेडी टू हेल्प यू। आप जो भी काम करोगे ना मेरी एडवाइस के बाद, तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर रहूंगा, और प्रॉफिट का 20% हिस्सा किसका? मेरा। रघु ने हमें ये कहा था कि अगर हम उसकी एडवाइस को यूज करके कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें उसे एक फिक्स कट देना पड़ेगा, तो बस वो अपना कट मांगने आ गया था। पाजी बाबी जी, व्हाट इज दिस यार, एसी भी नहीं चलाया आप लोगों ने। चला भी नहीं पाओगे, बिकॉज यू टू विल ऑलवेज रिमेन पुअर। ओए, अरे यार, आप दोनों को बिजनेस करना तो आता नहीं, क्योंकि आप भूल गए अपने बिजनेस पार्टनर को। अभी तूने ना तो हमें आइडिया दिया, ना हमें एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे,
देखो शेयर क्यों दे भाई। कमाल यार, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। टू मच ईगो यार, टू मच ईगो। ओ शट अप, तेरी एडवाइस भी ना बिल्कुल यूजलेस थी, किसी भी इंटरनेट ब्लॉग पे मिल जाती। कमाल है यार। अबे तू निकल यहां से, तू बाहर। आउट 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 आउट। निकल हमारे घर से। आई एम गोइंग बट याद रखना कटेगा आप दोनों का, ठीक है कि नहीं? गेट आउट। हमारे सर्वाइवल के वैसे ही इतने इश्यूज चल रहे थे, तो हमने सोचा कि हम फालतू प्रॉफिट शेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सिर्फ अपना हाउस रेंट निकालने पे फोकस करेंगे। पर हमें अगले ही दिन पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी यार। अभी दो दिन निकल गए यार, एक बोतल नहीं बेची हमने यार, कैसे देंगे हम 8 दिन में अपना रेंट यार। तू पिक्चरें क्या देख रही है इस टाइम पे? मनी एक मिनट, यहाँ क्या है? अरे आना यार, क्या मूवी है ये? सो डैम रेलेवेंट फॉर अस। रॉकेट सिंह, ये बकवास कॉमेडी मूवी देख के क्या रिलेवेंस हो गई यार हमारे लिए? बकवास? इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। रियली? हाँ। अपर्णा ने कोइंसिडेंटली उस रात रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर देखी और उसमें से उसने दो बहुत ही क्रिटिकल लेसन सीखे। पहला, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट इन अ टीम की किसकी क्या स्ट्रेंथ है, ताकि तुम टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को सही से लेवरेज कर पाओ। एंड सेकेंडली, इनिशियली अगर तुम्हारी कंपनी में कोई टीम मेंबर कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रेंथ लेकर आ रहा हो, तो तुम्हें उसे इक्विटी देने से घबराना नहीं चाहिए। रघु पाजी, भाभी जी, यू टू आर शेमलेस पीपल। एक पैसे दी भी शर्म नहीं आता। बट इट इज गुड टू बी शेमलेस यार, एटलीस्ट आप सीख तो गए कि बिजनेस करने के लिए ईगो साइड रखना पड़ता है, है कि नहीं? रघु, तेरे तो इतने क्लाइंट्स हैं, तू तो कब से छोटे छोटे अलग अलग धंधे कर रहा है। तो यार थोड़ा सा नींबू पानी हमारा भी बिकवा दे यार। मैनू मक्खन लाण दी कोई लोड़ नहीं। I promise you 50 sales every day if you give me 20% profit. Done. Raghu एक चलता पुरजा जुगाड़ू आदमी था और उसने अपना एक अजीब सा नेटवर्क बना रखा था. So we just decided to leverage his network. But it was time to make a proper plan for the next day. So here's the equation. So हमारा initial estimated profit था 22 रुपए. हाँ. तो इसमें से 4.5 रुपए तो रघु ले जाएगा. तो 17.5 बचेंगे. Correct. और दिन की बिकती है 50 बोतल. तो एक दिन का कितना हुआ? 875 रुपए। यार इतनी मराने के बाद सिर्फ 875 रुपए कमाएंगे हम यार, कैसी गरीबी है यार ये। एक्सक्यूज मी, तो एनीवे इसके हिसाब से हम 8 दिन में 7,000 कमा लेंगे। और सेविंग्स कितनी बची है हमारी? मनी सेविंग्स लगभग वही 17,000। अमेजिंग। इसमें क्या अमेजिंग है यार, 8 दिन बाद सिर्फ 11,000-12,000 रुपए बचेंगे। और अगर वो जोड़ बोड़ के हमने रेंट दे भी दिया ना, तो खाना खाने के लिए लंगर में बैठना पड़ेगा हमें। नहीं बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम और सेल्स करेंगे। कैसे? सुबह बताऊंगी, कल सुबह 6 बजे में होलसेल मंडी जाना है नींबू लेने और फिर गोविंदपुरी जाना है बॉटल्स लेने। लेट्स हिट द सैक। इस मिस्टीरियस नोट पे अपर्णा ने सेशन रैप अप कर दिया और हम सोने चले गए। एंड द नेक्स्ट डे वी बॉट द लेमन्स एंड द बॉटल्स। हमें उस दिन रियलाइज हुआ कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगाना भूल ही गए थे। एनीवे, तो हमने 50 बॉटल नींबू पानी बना लिया। मनी क्या चार चार करके बोतलें ला रहा है, जल्दी लाना। कमाल का बंदा है यार ये भी। यार आई जस्ट होप ही गेट्स अस द सेल्स। अगर हमारे पास कोई ब्रांडिंग स्ट्रेटजी होती ना, तो हम और बहुत सेल्स कर सकते थे। एपी यार, आई हैव एन आइडिया। क्या? अरे बहुत सही आइडिया है, आ चलना चलते चल। मुझे एक जबरदस्त आइडिया है और मैंने फटाफट अपना लैपटॉप निकाला, जिसको मैं सिर्फ 2 दिन पहले बेचने वाला था कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। और फोटोशॉप पे मैंने हमारे नींबू पानी का लोगो डिजाइन करना शुरू कर दिया और बस शाम का वेट था रघु के अपडेट के लिए। पाजी बाबी जी, आप सक्सेसफुली सोल्ड 50 बॉटल्स एंड आई एम ऑलरेडी सेंड यू 1500 रुपए पेटीएम। अरे 30 रुपए की एक बोतल बेची है ना। और पाजी तुसी अनपढ़ बंदे हो गए यार, ऑब्वियसली 30 रुपए का बेचा। 30 × 50 = 1500 रुपए। देखो, I expect you to give me my profit by tonight, else no revenue from tomorrow, man. कमाल का बंदा है यार तू रघु। I know बाबी जी, I know. Staying alive. Staying alive. नींबू पानी, yes. हैं? अरे यार हमारे नींबू पानी ब्रांड का नाम। अरे मैंने दिन में जो लोगो डिजाइन किया था, उसके साथ एकदम परफेक्टली जाएगा। Staying alive, नींबू पानी, a drink helps you stay alive. Yes, yes, excellent, yes. And this marketing strategy was definitely a game changer. But फिर भी कैसे पे किया हमने अपना house rent? और कैसे अगले 15 दिन में हमने 1,00,000 रुपए कमाए? ये जानने के लिए आप अगला एपिसोड देखिए।
See you guys. Stay alive.